स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में हमें सिलिकन बेरिलियम, मैग्नीशियम सोडियम और फॉस्फोरस गिवन है और हमें इनको इनके मेटेलिक करेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं हमने यह पढ़ रखा है कि मेटेलिक करेक्टर ग्रुप में नीचे जाने पर इंक्रीज करते हैं और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करते हैं तो इस तरह से अगर हम इन एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से अरेंज करें और मेटेलिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो हमें कुछ यह मिलेगा जिसमें सोडियम का मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और फास्फोरस का मेटेलिक करेक्टर सबसे कम होगा चलिए हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसे समराइज़ कर लेते हैं हमने यह पढ़ा है कि एटॉमिक साइज पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है वहीं ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता है वहीं आयनाइजेशन एंथेल्पी जनरली अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है और ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज करता है सिमिलर ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी शो so करती है हमने यह भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थेल्पी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है वहीं ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कम नेगेटिव होती जाती है अब तक पढ़े कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं